गोवा में सिंगल लोगों का पसंदीदा बीच यही है। तो अभी हूँ मैं नॉर्थ गोवा के एक बहुत ही फेमस बीच, या फिर ये कहें अभी आप देख रहे हैं नॉर्थ गोवा का ब्लॉग, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भी आप नॉर्थ गोवा के बीच वीडियो देख रहे हैं। और यह एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही फेमस एंड ज़बरदस्त बीच है जिसे आप एक्सप्लोर करेंगे मेरे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नॉर्थ गोवा के ब्लॉग या फिर साउथ गोवा के ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नॉर्थ गोवा का यह कौन सा बीच है जो कि सिंगल लोगों का पसंदीदा है, यह कहां पर है, आप कैसे आ सकते हैं, और यहां पर आपके इंटरटेनमेंट की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। तो जब आप इस बीच की एंट्रेंस में आओगे तो आप क्या करना है, लेफ्ट साइड, जैसा कि मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ, जहाँ पर आपको बहुत कुछ दिखने और मिलने वाला है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि हो सकता है आप गोवा पहली बार आए हों या दूसरी बार भी आए हों, लेकिन इस बीच जैसी सुंदरता आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यह बीच नॉर्थ गोवा के बिल्कुल बॉर्डर में स्थित है और मेन सिटी से बहुत दूर है। अब यह सिंगल लोगों का पसंदीदा बीच क्यों है आप लोगों के मन में आ रहा होगा, क्योंकि इस बीच पर भारतीयों के मुकाबले विदेशी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली रशियन लोगों की। इसी कारण से इसे रशियन बीच ऑफ गोवा कहा जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि यह बीच अरम्बुल बीच है, वो हिल आप देख सकते हैं सामने, उसके आगे एक बहुत ही फेमस एंड सीक्रेट लेक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नॉर्थ गोवा के और ब्लॉग या फिर नॉर्थ गोवा फेमस प्लेसेज, नॉर्थ गोवा विजिटिंग प्लेसेज, नॉर्थ गोवा टूरिस्ट प्लेसेज, नॉर्थ गोवा बेस्ट प्लेसेज, नॉर्थ गोवा बेस्ट बीच, या फिर ये कहें सीक्रेट प्लेसेज इन नॉर्थ गोवा, थिंग्स टू डू इन नॉर्थ गोवा, या फिर आपको साउथ गोवा से भी रिलेटेड कुछ वीडियोज अगर देखना है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। लेकिन नॉर्थ गोवा मैं ज़्यादा कवर करता हूँ क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए आपको बहुत कुछ अवेलेबल है नॉर्थ गोवा में। तो ये है नॉर्थ गोवा का बहुत ही फेमस बीच जिसे अरम्बुल बीच कहा जाता है, और अरम्बुल बीच नॉर्थ गोवा के अन्य बीचों से बहुत ही ज़्यादा अलग है, और इसी कारण से इसे रशियन बीच भी कहा जाता है। आपके इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे नाइट पार्टीज होती है, शाम को ड्रम सर्कल होता है, विदेशी लोग मार्केट लगाते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।